पास ना अरुण को चिल्ली प्ले बहुत पसंद है, प्लीज ना उसका ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है मैं ध्यान रखूंगी, तो टेंशन वाले। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पी रही थी दाल, अरुण पी रहे थे मांड। तो ये चावल का पानी है उपासना की दुनिया चैनल पर जो होम रेमेडीज आती है उसमें बहुत बार इसका जिक्र किया गया है, तो हम पी रहे हैं, तो हमारी माओ भी हेल्दी मतलब माओ बनेगी। हमने पूरी ये ना वीगन बनाते जा रहे हैं धीरे धीरे इसको हम, और बिल्कुल हेल्दी डाइट। आप देख रहे हो चावल का बॉइल्ड आलू इनको बहुत पसंद है, मोदक है? मोदक भी खा लेती है माओ, तो पुच्छू खाती है मोदक, माओ नहीं खाती बॉइल्ड आलू, लेकिन खाते हैं बॉइल्ड आलू, दोनों को पसंद है। और अभी चावल का, इसने ये आधी कटोरी मांड पी लिया है, डेली मैं वो कर देती ना बिल्कुल चावल का पानी, शाबाश। नहीं आलू भी डेली उबाल देती मैं माओ, गुड गुड माओ। ओ गॉड, बताए मैं अभी यहाँ पे चिलिंग एरिया में लेती हूँ, अभी बज रहे हैं साढ़े चार, और आज क्या हुआ यार, मैं सुबह आई और आज मेरी मतलब आज पहले ऑडिट था सीए का, वो सारा किया, उसके बाद मेरी इतनी सारी मीटिंग्स थी वो करी, मतलब आज ओपीडी नहीं थी मीटिंग्स का था, फिर कुछ पेशेंट उत्तराखंड से आ गए वो किया, उसके बाद अभी मुझे क्या प्री ब्राइडल सीरीज स्टार्ट की थी, मुझे वो सीरीज कम्प्लीट करनी थी, वो यार मैं तब से सीरीज शूट करी पिछले 2 घंटे से मैं लगातार बोल रही थी परफॉर्म करी, अभी इतनी हीट निकली, अब मैं आके यहाँ पर लेती हूँ। पता है यार हर चीज़ में मेहनत है, लोगों को लगता है ना, मतलब लोग कहते हैं यार YouTube से बहुत पैसा आता है ये वो, पता है पैसा तो मुझे पता नहीं, बट मेहनत बहुत है जहाँ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। मतलब अभी मुझे संडे जाना है हिमाचल पर, मैंने इस बार सोचा था कि यार जैसे वेडिंग सीज़न आने वाला है, बहुत सारे लोग विलेजेस में रहते हैं, वो तो यार 10,000 रुपये मतलब ब्राइडल पैकेजेस ये वो नहीं हो पाता, तो मैंने एक इतनी इफेक्टिव रेमेडी मतलब इतनी इफेक्टिव पूरी सीरीज शूट की 7 डेज की, जो आप जस्ट घर पर करके ना बहुत अच्छा ग्लो ला सकते हो। और बाकी हमारे प्री ब्राइडल पैकेजेस है वो तो लोग यहाँ आके करवाते हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, मतलब आप सोचिए रेमेडीज़ का इतना अच्छा है तो जो हमारे यहाँ पे आके करवाते होंगे उसका कितना अच्छा है। तो आप में से भी अगर कोई परेशान है प्री ब्राइडल पैकेजेस बुक करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हैं। अभी ऑन कॉल अपॉइंटमेंट्स है मेरी, तो अभी मैंने बोला यार आई नीड 10 मिनट ब्रेक, ठीक है 10 मिनट के बाद मैं वापस आऊँगी आप लोगों के पास, सब कुछ देखते हैं, टिल देन शबा खैर बाय बाय। तो मम्मी यहाँ पे आ गई हैं क्योंकि हम लोग बनाएंगे कुछ रील्स, वैसे आज हमारा प्लान था स्टूडियो सेटअप करने का, लेकिन यार सुबह से उपासना भी काम में लगे हुए थे, मैं भी तो थक गए आज, इसने मेरे को मारा है अभी, ये देखो तंग होएगी उसको समझ में आ रहा है ना, ये देखो मार दिया इसने मेरे को। और मैं करके आई हूं अभी शॉपिंग, इन्होंने बहुत सारी शॉपिंग वगैरह करी, शॉपिंग चीटी का बिल है जितने ये मैं बेडशीट लेके आई, एक ये ब्लैक कलर तो मेरे को, और ये टॉवल, मेरे घर में चीटी का बिल है, जो चीटी सारे जितना रहता है भूर अंदर भूर नहीं होता है अंदर डाल देती है, वो ऐसे ही जितने मेरे घर में सुधारे एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वो सारे पता नहीं अंदर कहाँ चला जाता है, दिखाई एक भी नहीं देता, वो मम्मी अंदर ना जमीन में वो सोने के साथ गाड़ रखा हमने, स्टोर होता, हाँ इसकी खुदाई होगी ना तब मिलेगा, मिलेगा कुछ नहीं है, जब इसकी खुदाई होगी सिर्फ लेटरिन का गड्ढा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो आज इन दोनों का बदल बदल के नंबर आ रखा है, दोनों मिलके ना मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मम्मी पता क्या हुआ, यहाँ से पकड़ा मम्मी, मैंने यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ से पकड़ा तो कहानी होता होता है, दोनों फेक असर है, दोनों झूठे झूठ मूठ का, गिलास ना उठाया उनके साथ होता है, अच्छा जो 1 लीटर पानी में 2 मिनट की मैगी बनाने की कोशिश करते होता है, जो जो चिली पोटैटो वीडियो कॉल करके, क्या वीडियो कॉल करके चिली पोटैटो बनाने, मम्मी चिली पनीर, मम्मी आप भूल गए कैसे भूल गए, चिली पनीर था वो मम्मी, अच्छा। वीडियो कॉल पे जो सीखा था देखा, कह रहे जो वीडियो कॉल पे चिली पनीर खाते हो सीखते थे बनाने, मम्मी नहीं उपासना अरुण को चिली प्ले बहुत पसंद है, प्लीज ना उसका ध्यान रखना, मैंने कहा ठीक है मैं ध्यान रखूंगी, तो टेंशन वाले। तो ये ऐसी काल्पनिक बातें करते हैं, ये काल्पनिक नहीं, ये अरुण की एक्स जब मुझे सौंप के गई थी ना तब उसने मुझे अरुण का हाथ दिया था और मुझे ये बातें बोली थी, उपासना अरुण को सारी जिंदगी चिली पनीर जरूर खिलाना, लेकिन देखो कम से कम अंदर कुछ हो ऊपर से तो जो की वो तो ओरिजिनल हाथ दे दी ना, पकड़ा दी ना,
कुछ भी चलो गाइस बाय, ईमानदारी तो बढ़ती है, वी इंडियन फैमिली गाइस बाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, ये पता नहीं कौन से यूट्यूबर के वीडियो तो ये ना हमने इसमें साउंड प्ले कर रखी है, ठीक है। और सो यार मम्मी के साथ सारे शूट वगैरह हो गए हैं, माता दी जा चुकी हैं नीचे, डिनर वगैरह करने के बाद सारे शूट हमने किए, मतलब लेकिन डिनर हमने नहीं किया था, डिनर सिर्फ मैंने किया था क्योंकि ये एक नए मिशन पर हैं। मम्मी बुला रही है बेटो, तो बेटा आपके एग्जाम शुरू हो गए हैं ना, कट्टे में भर के रखे हुए हैं, मम्मी ने पहले अभी तो एग्जाम शुरू हो गए हैं ना, हाँ मम्मी ने पहले ही अनाउंसमेंट दे दी कि इसमें से एक भी खिलौना तेरे हाथ में दिख गया ना तो तू भी नहीं बचेगी। तो यार अभी क्या है कि रिद्धि के एग्जाम्स वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, तो आज यार हम हो गए नहीं, अभी 25th को हो रहे हैं, 25th से होने वाले हैं ना, तो बेटा जो अब नेक्स्ट वर्किंग डे उस दिन आपका एग्जाम ही है, तो आज हम लोग पहले गए थे यार, ये बेड जो है ना इसको इसमें थोड़े थोड़े से ना मतलब जो प्लाई है वो थोड़ी थोड़ी ख़राब सी हो रही है, तो उनकी कंप्लेन की भैया को, तो भैया ने कहा ठीक है आप बेड दे जाना ये और हम चेंज कर देंगे। तो आज सबसे पहले हम बेड के लिए गए थे, फिर उसके बाद हिमाचल जाने की भी हमारी तैयारी है, और उपासना आ जाओ, उपासना ना बहुत टाइम के बाद, अच्छा तो ये कपड़े प्रेस नहीं किए, एक्चुअली प्रेस होके आए हैं, तो उनको निकाल के रखने की एक्टिंग नहीं कर रही हैं, एक्चुअली में ये रख रही हैं, शाबाश। शाबाश मेरे शेर, शाबाश, प्राउड ऑफ यू, मतलब अभी सिर्फ एक महीने का तुम्हारा, एक से डेढ़ महीने का सिर्फ ये समर सीजन मच रहा है जिसमें तुम ये सूट वगैरह पहनोगे, जिसमें साथ में नए लेके आ चुका हूँ, और तुम अभी बैठ के मिंत्रा पे, अभी एक प्रथम ने रक्षाबंधन पे ऑर्डर किया था वो भी आया है, ठीक है, उसके बाद फिर और सात वो थे, उसके बाद एक दो और आए हैं, उससे पहले के जो आए थे भाई अभी भी तुम बैठ के मतलब क्या करोगी। मैं देख रही थी न्यू क्या ट्रेंड में आया है, मतलब तुम्हें यहाँ ट्रेंड दिखाई दे रहा है मिंत्रा पे, नहीं मतलब मैं स्टाइल देख रही थी ना, कलर कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन, करवा चौथ आ रहा है ना, तो करवा चौथ पे, अच्छा अभी तीज आई थी तो तीज पे भी एक सूट चाहिए था, अभी अब करवा चौथ आ रहा है तो करवा चौथ पे भी एक सूट होगा, ऑब्वियसली दो बार, फिर दिवाली आएगी, दिवाली पे एक बढ़िया सी ट्रेडिशनल ड्रेस होगी, फिर तुम्हारा बर्थडे, अच्छा मेरे बर्थडे पे जाने के लिए भी तुम्हें एक ड्रेस चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए भाई, तुम फिर उसके बाद अच्छा उसके बाद शैंकी की शादी आ रही है, उसमें तो ड्रेसेस ही ड्रेसेस चाहिए, यस तुम्हें अपना बजट इतना बढ़ाना होगा, बजट बचता ही नहीं है ना बढ़ाने की तो बात खत्म होगी, बजट अब बच ही कहां रहा है, जीएसटी भर भर के थक गए ना। सो यहाँ पे ना मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, एक महीना क्यों बोलूं मैं, दो महीने तक तुम्हें कोई भी शूज जूती चप्पल नहीं खरीदने हैं, जूतियां लेने चले कल, वो मेरे पास 20-25 ही जोड़े हैं, जो वो 20-25 के आगे बस लगाए ना, वो दोनों आपस में बैठ नहीं रहे, वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और क्या नाम है पांच रैक्स वाला है जिसमें कि मेरे सिर्फ दो हैं, रैक नहीं दो डब्बे, बाकी तुमने भर रहे, हर जगह मेरी बेइज्जती करना जरूरी है, ठीक है, तो तुम्हें दो महीने तक कुछ भी जूती जूते चप्पल सूट कुर्ता ये सब नहीं खरीदना है, लगी शर्त, और मैं तुम्हें 100% बोलता हूँ शर्त लगी, मैं बिल्कुल नहीं खरीदूंगी, मुझसे मांग लूंगी, नहीं किसी को पता ही नहीं चलेगा, वो आराम से अलमारी में आ जाएगी ये नहीं कर सकते भाई ये इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं ब्लॉग को एंड करने से पहले बताऊं कि ना एक हमने छोटी सी नई मुहिम चालू की है, जो वो माई का स्वीट होम जो मतलब
एनजीओ है जहाँ पे हम जाते हैं, जहाँ पे हमने बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट किया, वहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं उनके ना हम एक तरीके से पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, और वो सारे ना हम जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाल रखा है चैनल का वहाँ पे आ रहे हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, आप लोग वो सुन सकते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। कल मेरे को खुशबू ने बताया, खुशबू जो वहाँ पे सारा संभालती है फ़ोन वगैरह, तो बोले कि एक हमारे पास आए थे, मतलब कि उन्हें अपने बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना है किसी बच्चे का, अपने बच्चे का या फिर मतलब कुछ सेलिब्रेट, हाँ बर्थडे सेलिब्रेट करना है, और उन्होंने कहा था कि हम ये आपके मतलब अरुणेंद्र कुमार और उपासना जी के व्लॉग में देखा था कि उन्होंने यहाँ पे सेलिब्रेट किया था और हम भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो जब खुशबू ने ये बात मुझे बताई ना, इतनी खुशी हुई थी कि मतलब यार एक ना पता क्या छोटा सा एफर्ट था हमारा कि हमने वहाँ पर सेलिब्रेट किया और लोग देख देख कर वहाँ पर जा रहे हैं। अच्छा, खुशबू ने बताया कि डोनेशंस के लिए, यहाँ पे स्टे करने के लिए बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। तो यार ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का प्यार है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सर आपके थ्रू हमारे पास आ रहा है, लेकिन भाई मैं उसमें कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक जरिया हूँ, ठीक है, जनार्दन उसका वो है, ठीक है, बाकी आप लोग हो यार, मतलब जितनी भी ये तारीफ वगैरह बनती है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बनती है। सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही बस आप लोग सपोर्ट करते रहो, हम अपना बेस्ट देते रहेंगे, बाकी आप लोगों का साथ रहेगा तो बहुत आगे जाएंगे।